Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about forecast function. This is example 2. आइएगा forecast function को शुरू करते हैं. इस forecast function के लिए मैं एक छोटी सी problem को create करूँगा और उसके बाद forecast function की मदद से हम solution जानने की कोशिश करेंगे. Forecast function का syntax है forecast parenthesis start x comma नॉन वाइज कॉमा नॉन एक्स. सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि ये नॉन वाइज और नॉन एक्स क्या चीज है. यहां पर मेरे पास नॉन एक्स है. ये नॉन एक्स, दिस इज द इंडिपेंडेंट रेंज ऑफ डेटा. नॉन वाइज के केस के अंदर दिस इज नॉन वाइज. It is the dependent variable. Known x हमारे independent variables हैं और known y हमारे dependent variables हैं. X ये variable जिसकी value का हमने predict करना है. मैं थोड़ी देर के बाद यहाँ पर इसकी description को add कर दूँगा. आइएगा सबसे पहले इस question को create करते हैं. Number of years के अंदर मैं arbitrary basis के ऊपर कुछ नंबर ऑफ ईयर्स को टेकअप करूंगा. 2015-2016 मैंने फिल हैंडल से ड्रैग डाउन कर दिया. आई विल गो अप टू 2021. नंबर ऑफ सेल्समैन लेट्स अज्यूम 10, 20, 30, 35, 45, 53. 2021 के लिए हमने प्रिडिक्ट करना है. ये हमारे पास नंबर ऑफ सेल्समैन है और जो कि सेल्स करते हैं ये अमाउंट मैंने प्रिज्यूम करना है. तो मैं यहां पर कुछ अमाउंट को टेक अप कर रहा हूं. 35 लाख, 48 लाख, 63 लाख, 73 लाख, 78 लाख, एंड फॉर 2020 आई प्रज्यूम 85 लाख. स्टूडेंट्स यहां पे नोट कीजिएगा, ये मेरे नॉन वाइज हैं. ये डिपेंड कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल्समैन कितने हैं. आप इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर देख रहे हैं हम नंबर ऑफ सेल्समैन को बढ़ा रहे हैं तो उनके साथ हमारा सेल्स अमाउंट भी बढ़ रहा है. मैं यहां पे प्रिडिक्ट करना चाहता हूं कि हम कितने नंबर ऑफ सेल्समैन को यहां पे बढ़ाएं और उनका सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, सेल्स अमाउंट उससे कितना बढ़ेगा. तो मैं यहां पर 53 से ज्यादा सेल्समैन को टेकअप करना चाहता हूं. आई स्टार्ट विद 54 55. फिल हैंडल के जरिए मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया एंड आई गो अप टू 64. यहां पर मैं एक ड्रॉप डाउन एरो को क्रिएट करना चाहता हूं. इसके लिए मैं लिस्ट कमांड की मदद लूंगा. सो आई गो टू डेटा टैब. इन साइड डेटा टैब आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर लिस्ट कमांड को चूज करता हूं और सोर्स के अंदर ये मैं नंबर ऑफ सेल्समैन दे देता हूं. आई से ओके. आप एक ड्रॉप डाउन बॉक्स को यहां पर देख रहे हैं. आइएगा अब इस एक्स वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं. दिस इज द नंबर ऑफ सेल्समैन फॉर विच सेल्स वैल्यू इज टू बी प्रिडिक्टेड, फॉर विच द वैल्यू इज टू बी प्रिडिक्टेड. मैं यहां पर नंबर ऑफ सेल्समैन दूंगा. I can choose any of these numbers. आइएगा इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देता हूं. Now, मुझे 58 सेल्समैन कितनी सेल्स जनरेट करके देंगे मुझे इसका फोरकास्ट करना है. तो मैं यहां पर फोरकास्ट फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा. फोरकास्ट सबसे पहला आर्गुमेंट x.
ये हमारे पास नंबर ऑफ सेल्समैन दैट इज एक्स। इसके बाद नोन वाइज जो हमारा सेल्स अमाउंट है ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ ईयर्स, ये मैंने सारा का सारा दे दिया। इसके बाद हमारे नोन एक्स जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, मैं उसको भी यहां पर दे देता हूं। आई क्लोज पेरेंथीसिस, आई प्रेस एंटर। अगर 58 सेल्समैन डिप्लॉय किए जाते हैं तो ये 94 लाख प्लस की सेल्स जनरेट कर सकते हैं। इफ आई चेंज दिस नंबर टू 60, तो आप ये देख रहे हैं कि फोरकास्ट ऑफ सेल्स अमाउंट इट गोज टू 96,65,130। आई कैन फर्दर गो अप विद 64 सेल्स पर्सनल, आवर सेल्स कैन एक्सीड 1 करोड़ रुपीस। इस तरह से हम इस फोरकास्ट फंक्शन से कितने सेल्समैन को इंक्रीज करें और ये हमें कितनी सेल्स जनरेट करके दे सकते हैं, हम इसका एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, ये एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम की हेल्प से हम फोरकास्ट फंक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक बारी आपकी नॉलेज के लिए, फिर एक्स हमारा नंबर ऑफ सेल्समैन है जिसकी वैल्यू हमने प्रिडिक्ट करनी है। नोन वाइज ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और नोन एक्स दीज आर अवर इंडिपेंडेंट रेंज ऑफ डेटा और इंडिपेंडेंट रेंज ऑफ वेरिएबल्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।